आज भी टाइम नहीं था तो ब्लॉग शूट करने का समय नहीं मिल पा रहा था। चलो इसी का ही ब्लॉग आपको बनाते हैं। बस कितना होता है तो जो हमारा टूर है पूरे का ब्लॉग आपको बना के देते हैं। अभी हमें जाना है प्रतापगढ़, सुबह 6 बजे ठंड है, पूरा जैकेट और सब पूरा पहने हुए हैं और बाइक चलाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। क्या करें, प्रतापगढ़ जाना पड़ रहा है तो बाइक भी चला के जानी पड़ेगी क्योंकि टाइम कम है। आपको ब्लॉग तो कभी समय समय पर दिया नहीं, तो चलिए आपको बस्ती से पता पड़ता है एक ब्लॉग बना के दिखा देते हैं। निकाल लो यार, निकाल लो।
वाले हैं। देखिए यार करता है, हम लोग एंट्री ले चुके हैं। देखिए देखिए आज आज ये नहान का दिन है, आज सब लोग जा रहे हैं नहाने गंगा घाट। वो हम भी चल रहे हैं गंगा घाट का अंदर जाएंगे तो जाएंगे, ठीक है। आए तो श्री राम जी का दर्शन करके। तो पता है कि पूरा ट्रैफिक 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 पूरा ट्रैफिक लगा तो पूरा ये नहीं पूरा एकदम शायद जाएंगे कहीं पर लगाएंगे, अभी देखते हैं। क्या कौन सी बैग से? देखिए देखिए अभी हम लोग एंट्री ले रहे हैं, रुक जाओ थोड़ा रिलैक्स करो, चले जाने दो, छोटे बाइक वाले किधर से भी हला देंगे, ठीक है। अंदर आ चुके हैं, जा रहे हैं श्री राम जी का दर्शन करने। हमको तो कुछ पता नहीं, हम पहली बार आए हैं। देखिए देखिए पूरा सीन 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 सिद्धि भी आए हैं, आपको नहीं पता रहा। चलो हम बाइक चलाने जा रहे हैं, हमारे ड्राइवर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। हमको कुछ तो पता नहीं है लंदन में। तो अभी अयोध्या के अंदर पर प्रवेश करने वाले हैं, और बाइक मैंने दे दिया सीकर को, क्योंकि पूरा ब्लॉग शूट करना है तो बाइक सीकर चलाएंगे और पूरा ब्लॉग शूट करेंगे। तो चेंज कर लिए हम लोग अपनी पोजीशन, और दोस्तों पहले हम शूट कर रहे थे, अब ये हम शूट करेंगे। उसमें क्या है, शूट करने में बस सीखना चाहिए आपको। गाड़ी स्टार्ट है यार, ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा था, तुमको स्टार्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो चलते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो यार, काफ़ी भीड़ होने वाली है आज, और बहुत ठंड है भाई यार, सच में बहुत ठंड है। जब तक हेलमेट लगाए तो पता नहीं चल रहा था। कलर वाइज ये जो है यहाँ रेलवे ट्रैक बना हुआ, ऊपर से रेलवे की पटरी गई हुई है और इसमें से ट्रेन जाती है। यहाँ पर जो है फ्लाई ओवर ना बना करके यहाँ का इनको जो है ऐसे ही बहुत काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। देखिए इसके ऊपर से रेलवे ट्रैक पूरा गया है और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ बना दिया है। और अब शायद आगे ना जा पाए यार, काफ़ी ट्रैफिक है आगे, और जाओगे तो 2 घंटे जाएंगे। वो तो जाए तो कह रहे हैं यार वापस चलते हैं, कभी दूसरे दिन आके यहाँ का ब्लॉग ले लेंगे। अभी वही चलते हैं जो बस्ती से हमारा प्रतापगढ़ है। इतना ट्रैफिक क्यों है भाई? ट्रैफिक नहीं रहेगा, पब्लिक रहेगी, ट्रैफिक रहेगा। हाँ हाँ सीधा सीधा ये परिक्रमा द्वार है, यहाँ से परिक्रमा होती है। तो परिक्रमा हो रहा है क्या? पैदल जाने के लिए वो वाला ट्रैक बंद कर दिया है।
लेकिन यही यही तक है जहाँ तक लग रहा है हमको। आगे आगे पता नहीं, आगे आगे चलो। रोहित की मम्मी अंदर है, गाड़ी अलाउ नहीं होगी शायद पार्किंग, अब आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी यार, पूरा पैदल चलना पड़ेगा। कभी आओ और आके शूट करेंगे, देखो जिस दिन अयोध्या का ब्लॉग बनेगा। दोस्तों मैंने इनको बोला था कि आज अयोध्या का ब्लॉग नहीं बनाते क्योंकि इतनी भीड़ है और वापस जा रहे हैं, आधा किलोमीटर पहले ही बाइक को पार्क करना पड़ेगा और यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि व्यवस्था जो इन लोगों ने बनाई है कि कभी किसी को दिक्कत ना हो। तो अभी फिलहाल हम वापस जा रहे हैं क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं है और जिस तरह हमने सोचा था कि एक घंटे में वापस आ जाएंगे वो नहीं हो सकता क्योंकि बाइक यहीं पार्क करनी पड़ेगी। और आगे यहाँ पर देख रहे हैं कि आगे जाने नहीं दे रहे हैं और इतना टाइम नहीं है कि हम बाइक पार्क करें और पैदल चल के जो है आप पूरा ब्लॉग दिखाएं, तो इसके लिए सॉरी बट हम इसका अलग ब्लॉग बनाएंगे, सिर्फ इस वैसे अयोध्या करेगा। अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ अयोध्या आने का, लेकिन जो है शिखर ने कहा कि चलो घूम लेते हैं, तो हमने कहा चलो देखते हैं बट अंदर जा पाएंगे कि नहीं कोई कंफर्म नहीं है, बट अब अंदर नहीं जा पाएंगे तो कैंसिल करते हैं, चलते हैं अब। चलिए यहाँ से चलते हैं अब प्रतापगढ़। तो दोस्तों काफ़ी भीड़ की वजह से, ट्रैफिक की वजह से और टाइम ना होने की वजह से अयोध्या तो नहीं जा पाए। अब अयोध्या से आगे निकल रहे हैं,
थोड़ा गर्दी पड़ जाता है, छोटा ब्रिज पड़ जाता है इसीलिए, लेकिन चलते हैं हम राही प्यार के फिर मिलेंगे, चलते अंदर नहीं गए थे सुल्तानपुर और बाहर बाहर आ रहे थे, तो अब प्रयागी करती है। डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर है, प्रयागराज 94 किलोमीटर पड़ेगा भाई। लेकिन हम लोग गाड़ी चलाते हुए बैठते हुए हालत डाउन हो चुका है, लेकिन क्या कर सकते हैं, स्टेशन पर पहुँचना है। सीआरपीएफ कैंप
कि अमेठी जिला, ठीक अमेठी यहाँ पे लिखा भी है। क्षेत्र सिंधी यहाँ से जो प्रतापगढ़ हमारा पड़ेगा 25 किलोमीटर। घंटे सफर करने के बाद दोस्तों पहुंच गए जिला प्रतापगढ़ आ गए। और ठंड तो काफ़ी थी आते वक्त, लेकिन अभी हल्की धूप यहाँ पर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है पहुंचने के बाद, क्योंकि 4 घंटे पूरी बाइक चलाते हुए आ रहे हैं। और आपको पता होगा अगर 4 घंटा कोई एक ही जगह पर बैठे तो कैसा लगता है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर पहुँच कर। इसके बाद जैसे हम एक ब्लॉग और बनाएंगे जो कि पट्टी मेले का है, क्योंकि दो ही मेला यहाँ पर प्रतापगढ़ में फेमस होता है। एक तो प्रतापगढ़ का मेला जिसका ब्लॉग मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, डाला है, आप वहाँ पर जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और दूसरा एक मेला जो फेमस है वो है पट्टी का मेला। तो पट्टी का भी मेला बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसका भी ब्लॉग हम आ जाएंगे मेले में तो उसको ज़रूर बनाएंगे। हम आगे भी प्रतापगढ़, अब यहाँ से सहार स्टार्ट होता है, प्रतापगढ़ का सहार यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले अगर फैजाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो चिलबिला आपको पड़ेगा, चिलबिला से ही पूरा प्रतापगढ़ यहाँ से स्टार्ट होता है। एक चीज़ और, जो आंवले की मिठाइयाँ फेमस है ना, और रसमलाई श्री राम स्वीट्स बहुत ही प्रसिद्ध रसमलाई, अगर आएंगे तो रसमलाई जरूर खाइए। फेमस है मौर्य की प्रसिद्ध रसमलाई, फेमस है प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध रसमलाई। और आगे शहर में ना जाकर हमें जाना है अभी घर, तो चलते अपने घर की तरफ पट्टी रोड पर। ये मारे तो ट्रक वाले भीड़ लगा लेते हैं, कहाँ निकाल रहे हो यार उल्टा। तो अभी घर चल रहे हैं, प्रतापगढ़ अंदर शहर में नहीं जाएंगे, पट्टी रोड पर चल रहे हैं। यहाँ से मेरा घर जो है 4-3.5 किलोमीटर पड़ता है। ये था हमारा पूरा बस्ती से लेकर प्रतापगढ़ का पूरा टूर, क्या हुआ कैसे आए, सभी जो हमने जो जो पॉसिबल था सभी आपको यहाँ पर दिखाते हुए चल रहे हैं। इससे आगे ले चलो, बहुत दूर उड़ रहा है, कुछ नहीं है आगे। Thank you.
अपना कॉलेज दिखाते हैं जहाँ पर हम BCA किए हैं, पंडित चक्रराज रघुनाथी इंस्टीट्यूट। अंदर जाएंगे 100 मीटर अंदर जाने के बाद आपको कॉलेज मिलेगा, तो कॉलेज भी आएंगे जब हम प्रतापगढ़ थोड़ा अभी जाएंगे तो कॉलेज में ले चलेंगे आपको। निकालो 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 यार, निकाल लेते। अरे निकल जाता है यार, कैसे राइडर हो तुम? बहुत कम चलाते हैं बाइक, फोर व्हीलर बहुत चलाते हैं। चलाया करो। और ये सबसे बहुत ही खराब एरिया है, यहाँ पर मौली मंडी है, नवीन सब्जी मंडी। और खराब इसलिए हम आपको बोल रहे हैं क्योंकि जो ट्रक वाले हैं ना, यहाँ पर गोदाम है, तो साले सारे ट्रक वाले इस रोड पर खड़े कर देते हैं और इनको हटाने के लिए कोई प्रशासन आगे नहीं आ रहा है। और इसकी वजह से इतना यहाँ पर कभी कभी जाम भी लग जाता है, तो मुश्किल ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन यहाँ पर नहीं लिया गया है और ये ट्रक ऐसे ही रोड पर खड़े रहते हैं। आधे रोड पे ही लोग ले लेते हैं, एक साइड हम लोग को मिलता है आने जाने के लिए, तो उस पर आया जाए या जाया जाए, एक तरफ की गाड़ी आती है तो एक तरफ की रुकी रहती है, फिर दूसरी तरफ की, तो क्या मतलब होता है यार ऐसे। आराम से चलो यार, पहुँच के एक कुछ ना हो आराम से चलो, नहीं तो पहुँचने के बाद भी इतने दूर से चले हैं पता चला घर पे ही पहुँच के वहीं। अरे भाई पीछे वाला था। भाई साहब आज के इस ब्लॉग में यहीं तक, और अभी हम वो प्रतापगढ़ पहुंच गए, अपने घर भी पहुंच गए। तो आज का यह ब्लॉग हमारा कैसा रहा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हाँ अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें ब्लॉग कैसा लगा, सपोर्ट कर दीजिए जिससे कि हम और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके लिए बनाते रहे। और अगला ब्लॉग हमारा जो रहेगा वो पट्टी का मेरा रहेगा, क्योंकि प्रतापगढ़ के बाद पट्टी का मेरा ही बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मजे करिए। तो चलते हैं अभी हम घर, बाय बाय।